जय गुरु। आज का आलोचना टॉपिक है कि ऐसे देखा जाता है जो लोग धर्म पर रहते हैं उनको अर्थ संकट ज़्यादा दिखाई देता है, तो उसका कारण क्या है? श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। एक गुरु भाई ने प्रश्न कर रहे हैं कि आप कहते हैं कि धर्म के साथ अर्थ रहता है, किंतु जो धर्म पर चलते हैं उसे तो अर्थ कष्ट अधिक देखा जाता है, इसका कारण क्या है? श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि रातों रात कुछ नहीं होता है, कुछ समय लगता है। व्यवसाय पानी जो जो करता है तो क्या वो एक दिन में ढेर रुपयों का मालिक बन जाता है? धर्म का ढंग बनाकर एवं वास्तविक रूप में धर्म कार्य करना क्या दोनों एक ही है? धर्म जीवन माने प्रचंड कर्मय जीवन, वो कर्म ध्रुति पोषणी हो अस्तित्व पोषणी हो, जो कर्म परिवेश को उछल करता हो, बचने बढ़ने का पोषण देता हो एवं सत्ता का पोषण देता हो। किसी लोभ से धर्म नहीं करना है, किसी प्रत्याशा से धर्म नहीं करना है, नहीं तो परफेक्ट मनुष्य नहीं बन पाता है। धर्माचरण जिसका प्रकृत गत है उसे स्वार्थ या प्रत्याशा नहीं है, वो अभाव में रहकर अभाव से ऊपर रहता है। वो कभी विचार नहीं करता है कि उसे धर्म करने से क्या मिला। वो लाख ऐश्वर्य के विनिमय में भी अपना आत्मप्रसाद त्याग नहीं कर सकता है। सैकड़ों दुख भी उसे विचलित नहीं कर सकता है, दुख या सुख उसे आदर्श से च्युत नहीं कर सकता है। जो मनुष्य ऐसा है वो अर्थ का महत्व नहीं देगा। ऐसे मनुष्य को अर्थ सेवा देकर धन्य होती है। प्रकृत धर्माचरण किसी को भी कभी भी असुखी या अभाव पीड़ित नहीं करता है। जय गुरु। आलोचना प्रसंग पंचम खंड से संग्रहित है।